जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। तो दोस्तों यहां पर एक छोटी सी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और 100% सही एवं ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पीवी ने जितनी भी परीक्षाएँ थी उन्हें रद्द कर दिया है और इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा क्या हुआ है इस पर आपको अपडेट देंगे, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, ये प्रेस विज्ञप्ति आपको दिखाते हैं और इसके बाद में वेबसाइट पर भी ले चलेंगे, वहाँ पर जितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। और शिक्षक भर्ती परीक्षा और जेल प्रहरी की जो परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 सितंबर से होने वाली है और जो जेल प्रहरी की परीक्षा वह 3 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य होने वाली, ठीक है। तो दोनों परीक्षाएँ हैं, इनका क्या होने वाला है आगे इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुई है ये आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेस विज्ञप्ति है, लिखा हुआ है प्रोफ एंट्रेंस टेस्ट थे जैसे कि पीपीटी थी, पीएटी थी, पीवीएफटी, पीएएचईटी, ठीक है, ये जितनी भी परीक्षाएं थी एंट्रेंस टेस्ट थे इनको स्थगित कर दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं जेल प्रहरी की परीक्षा थी उनकी एग्ज़ाम डेट के संबंध में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम परीक्षा कार्यक्रम में देखते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट थे वहाँ पर जो डेट थी, अब यहाँ पर डेट दिखा रहा है विल बी डिक्लेयर सून, ठीक है, अभी मतलब यहाँ पर इसकी डेट है ये आगे जारी की जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि इसके जो एग्ज़ाम थे अब नहीं होंगे, अब यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है कि अभी इसके एग्ज़ाम नहीं होंगे और 12वीं के जो परसेंटेज बेस है इसके बेस पर एडमिशन दिए जाएंगे, एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये यहाँ पर अभी डेट जो है 26 सितंबर से 22 अक्टूबर 2020 के मध्य ही बता रहा है, इसकी डेट में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। आज 26 अगस्त को मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक महीना अभी आपके एग्ज़ाम को है टोटल। और यहाँ पर जो जेल प्रहरी डिपार्टमेंट की जेल प्रहरी की डेट है यह 3 नवंबर से 10 नवंबर ही शो हो रहा है, यहाँ पर इसकी डेट में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब दोस्तों यह डिपेंड करता है वर्तमान स्थिति पर, एक महीने के अंदर क्या स्थिति बनती है और इसकी डेट के बारे में आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा या फिर अपडेट दे दिया जाएगा, क्योंकि जो पीवी एक महीने पहले से तो कुछ बताते नहीं, इसके परीक्षा कार्यक्रम का कुछ पता नहीं होता है, इससे लिए आपको अभी किसी प्रकार से अपने जो तैयारी चल रही है आपकी तैयारी आपको निरंतर करनी है, ऐसा ना हो जो वर्ग एक एवं वर्ग दो में हुआ था, सब यही अनुमान लगा रहे थे कि डेट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम की डेट है वह आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसकी डेट जो है आगे नहीं बढ़ाई गई थी और आपके एग्ज़ाम आ गए थे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी की टेस्ट भी के साथ भी हो सकता है, तो हो सकता है आपका 26 सितंबर से 22 अक्टूबर के मध्य एग्ज़ाम करा लिया जाए, यह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा एक हफ्ते के अंदर ही लगभग। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें और वीडियोस आपको पहले ही चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई हैं, पर्यावरण की वीडियोज़ हैं, ठीक है, और उसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो पहले ही आपको चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं और आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके संबंध में अभी और भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैथ्स पैडागोजी की होंगी, पर्यावरण की होंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट आदि की वीडियोस आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे ज़्यादा जो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है वो अफवाहों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये कई प्रकार से कई जगह आपको दिखाई जाएगी, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, अफवाहों से सतर्क रहें, ऑथेंटिक और 100% सही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी जो न्यूज़ होती हैं वो कवर नहीं करता हूँ, एक बार जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो आप